आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से राम और सुग्रीव वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को अपना कष्ट बताते हैं और किस तरीके से राम जी अपने बलवान होने का परिचय भी कराते हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है बाली का वध। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार तो कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहासनंद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ा। उन्मंद हुए दोनों भाई एक दूसरे को घूंसे और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद ना कर सके, इसलिए उन्होंने वार छोड़ा स्थगित कर दिया। बाली की मार ना सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषमूवक पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था, मैं बाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग रूप आकार गति और आकृति में एक समान हो, अंत मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने वाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा वाण बाली को लगने के स्थान पर अगर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखलाने लायक नहीं रहता। वानेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गंज पुष्पी लता फूल रहे, इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला गया। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर बाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़कर और उघत हुआ, किंतु उनकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आप अभी भी युद्ध कर रहे हैं? अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है, इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उनकी मैत्री हो गई है, संभव है कि वे ही उसकी सहायता कर रहे होंगे। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवन रहना बहुत कठिन है, इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इन संसार में
भाई के समान हितु कोई दूसरा कहाँ होता है। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका भलाई है और कल्याण भी। तारा के इस प्रकार समझाने वाली बाली ने कहा, वारने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और ना ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूँ। श्री राम जी के विषय में मैं भी जानता हूँ, वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य परायण हैं। वे पाप कर्म नहीं करते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन दिया है। अब मुझे मत रोको, मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उसे विजय प्राप्त करूंगा मगर अपने प्राण नहीं लूंगा। तुम विश्वास रखो, मैं विजय तो प्राप्त करूंगा लेकिन मैं उसके प्राण कभी नहीं लूंगा। यह कहकर बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होते जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति वाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टकराव ध्वनि के साथ वह बाण बली के वक्ष में जाकर लगा जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी बाली वध जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक होगा तारा का विलाप। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान, और मुझे कमेंट करके आप राम राम जरूर कहिए। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।